और भैया कोई नाम वाम भी है क्या है? शिष्य अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? गुरुदेव मुझे टारगेट दिखाई दे रहा है, अचीव करो जो आज्ञा। आशीर्वाद कौन लेगा? पाए पल। काफी डरावनी जगह है ये, मुझे तो बहुत डर लग रहा है भाई, साथ ही रहना। बहुत डरावनी जगह है, साथ ही रहना भाई। और देखो कैसे एंजॉय कर रहा है। ये देख रहे हैं, ये एक सुरंग टाइप है जिसमें आपने स्क्रॉल करके अंदर जाना है। तो दोस्तों जहां पे अभी मैं खड़ा हूं यहां पे होता है रेन डांस। ये पूरा केव है, गुफा बना रखा है और काफी अच्छा लग रहा है यहां पर। मतलब आप देख रहे हैं गिरा दूंगा पूरा का पूरा। और अनिल का बहुत ही बढ़िया। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं हूँ अनिल, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ट्रैवल टू रिचार्ज में। सो दोस्तों हमने करी है ऋषिकेश से बहुत सारी मस्ती और अभी हमारा मूड मस्ती करने का है, तो हम आए एक एडवेंचर पार्क में जो कि है ईओडी, इसका फुल फॉर्म है एवरी अदर डे। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा धमाकेदार होगी क्योंकि हमने बहुत सारी मस्ती करेंगे, तो वीडियो पूरी देखिएगा और वीडियो बने रहिएगा वीडियो पे। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और हाँ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों फाइनली हमने टिकट ले ली है और हमने कॉम्बो पैक लिया है जो कि 300 का पड़ा है और इसमें हर जो एक्टिविटी होगी हम वन टाइम कर सकते हैं, जिसमें बोटिंग इंक्लूड है। और जो 400 का कॉम्बो है उसमें आप बॉलिंग दो बार कर सकते हैं, बोटिंग भी कर सकते हैं, बाकी जितने भी जो एक्टिविटी आप अनलिमिटेड कर सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि आपको किसके कौन सा पैकेज अच्छा लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप पैकेज ले लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आप कॉम्बो नहीं लेते हैं और एंट्री अंदर जाना चाहते हैं तो एंट्री फीस कुछ भी नहीं है, पर हाँ आपको एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी जिसका जो चार्ज है लगभग 50 रुपीज़ है। तो मिनिमम चार्ज लगभग 50 रुपीज़ है जो कि आपको इस पार्क में एंट्री के लिए लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, आइए। मास्क लगाना अनिवार्य है। जैसे आप एंटर करते हैं आपको सबसे पहले मिलेगा सॉफ्ट प्ले जो कि है बच्चों का फेवरेट प्लेस और छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे एक प्ले हाउस है, तो बच्चों खेल सकते हैं यहाँ पे। अगर आपका छोटे बच्चे तो काफ़ी इन्जॉय करेंगे, तो उनको उनके लिए बेस्ट जगह है। तो दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि छोटी सी कैंटीन है जहाँ पे आपको स्नैक्स, चाउमीन, टी वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप मोमोस और कुलचे के शौकीन हैं तो मेरे जस्ट पीछे आप देख रहे होंगे कुछ सेटिंग और की है, वहाँ पे आप मोमोस और कुलचे भी खा सकते हैं। दोस्तों ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो हम बच्चों के लिए हैं और यहाँ बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे एक्टिविटी ग्राउंड है जहाँ तो दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पर दो एक्टिविटी होती है, एक है डार्ट और एक होता है आर्चरी। सो हम दोनों ट्राई करेंगे और देखते हैं हम टारगेट पर निशाना मार पाते हैं कि नहीं मार पाते। तो दोस्तों जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पर हम करने वाले हैं डार्ट, खेलने वाले डार्ट और देखते हैं हम टारगेट पर हिट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। और भैया कोई नाम वाम ये क्या है? तो इनाम ही मिलता है इसमें, अगर आप बीच में हिट करते हैं तो आपको इनाम मिलेगा, गिफ्ट क्या होगा पता नहीं। अगर मैं
शिष्य अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? गुरुदेव मुझे टारगेट दिखाई दे रहा है, अचीव करो। जो आज्ञा। आशीर्वाद कौन लेगा? पाए पल गुरुदेव, मैं संधान कर रहा हूँ। आज्ञा है गुरुदेव। नहीं गया। ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करो। जो आ गया गुरुदेव। आपकी निशाना सही साधना। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये हॉन्टेड हाउस है। अब ये कितना हॉन्टेड है उसके अंदर जाने का आपको चलेगा। हम डरते हैं नहीं डरते हैं वो तो बात की बात है, वो तो वीडियो के बाद में बता पाऊंगा आपको। तो दोस्तों ये घोस्ट राइडर की बाइक है और हमने अभी भी लूट लिया, इस पर कब्जा कर लिया है और हमें 50 रुपये की बिकी है। हमने 50 रुपये खरीद लिया इसको। काफी डरावनी जगह है ये, मुझे तो बहुत डर लग रहा है भाई, साथ ही रहना भाई, साथ ही रहना। बहुत डरावनी जगह है, साथ ही रहना भाई। ध्यान से चल रहा है ना। हाँ हाँ। अभी तू आ गया जज्बा। अरे जाले क्या बात कर रहा है, बहुत खतरनाक जगह है यार, बहुत डरावनी जगह है यार। तो हम थोड़ा डर भी गए थे, काफी प्यारी जगह है। वो एक पॉइंट तो सही में बहुत खतरनाक था ना, बहुत ज्यादा यार, मैं तो पूरा मेरे हार्ट फेल होने वाला था। तो दोस्तों ये था हॉन्टेड हाउस। तो दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है ट्री टॉप जो कि हम आपकी एक्टिविटी करने वाले हैं। बेसिकली क्या है कि स्काई वॉक की तरह है जो कि ट्रीज को कनेक्ट करके बनाया गया ऊपर ऊपर। सो पूरा हम आपको दिखाने वाले अंदर से। बाहर खुलेगा वो, तो हम ऊपर जा रहे हैं। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, काफी ज्यादा स्विंग कर रहा है, मेरे कैमरामैन भी ज्यादा स्विंग कर रहे हैं। ये एक हमारा खिलाड़ी मस्ती करते हुए पूरी तरीके से, और देखो कैसे एंजॉय कर रहा है। दोस्तों आपको मैं दिखा दूं ये कितना ऊपर है, आपको नीचे लोग चलते नजर आ रहे होंगे, तो इसकी हाइट काफी ऊंचा है। काफी मस्ती करते हुए रवि ने भी मस्ती कर ली है। अब ये देख रहे हैं, ये एक सुरंग टाइप है जिसमें हमें स्क्रॉल करके अंदर जाना है। तो फाइनली हम जा रहे हैं अंदर। आ जाओ स्वेटर नीचे कर लेता भाई, ऐसे नहीं लगेगा। अब आगे तो क्या करूं, भाभी कोट से खोलो। तो फाइनली ये हमने कर लिया, थोड़ा खतरनाक तो नहीं था लेकिन ठीक है। लग रहा है पूरी फौजी ट्रेनिंग हो रही है हमारी। दोस्तों अब ये देखते हैं क्या है, शायद इसमें एक बचपन की याद और ताज़ा होगी, क्योंकि फिसलन वाला है। तो दिस इज द लास्ट एक्टिविटी विद वी आर गोइंग टू डू। सो मेरा टाइम है, इसका खत्म।
तो मैं ऐसे जाऊंगा क्योंकि पीछे कुछ दिख जाता है। दोस्तों जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पे होता है रेन डांस जो कि होता है समर्स में, अभी विंटर्स है तो ये क्लोज है। तो दोस्तों ये अभी फिलहाल बंद है, तो अब जब समर में आएंगे तो आपको ओपन मिलेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। तो दोस्तों ट्री टॉप करने के बाद अब हम जा रहे हैं बोटिंग के लिए, क्योंकि बोटिंग का जो लास्ट टाइम है 5:30 बाद बोटिंग नहीं होती है, तो हमने सोचा पहले हम बोटिंग कर लेते हैं, बाकी जो बची एक्टिविटी हम बाद में कर लेंगे। सो फिलहाल हम जा रहे हैं बोटिंग की तरफ। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद कीजिए। और क्योंकि आप अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे एक शक्ति मिलती है नई नई जगह प्लेसेस को विज़िट करने की, आपको दिखाने की। सो अगर आप चाहते हैं कि आपको नई नई जगह दिखाऊँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कोशिश करिए ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। तो हम बोट की तरफ जा रहे हैं और यहाँ कुछ लोग बोटिंग कर रहे हैं, आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों फाइनली हमें बोट मिल गई है और हम तीनों को बैठाया गया है, और लेकिन जो मेरी सेटिंग देखिए देखो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ठीक है करना पड़ता है। तो दोस्तों बोटिंग काफ़ी मज़ा आ रही है, और जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है कि अगर बोटिंग यहाँ पे आते हैं तो कोशिश कीजिएगा पहले ही बोटिंग कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा वेटिंग होती है, लग जाती है यहाँ पर वेटिंग, तो काफ़ी टाइम आपको इंतजार करना पड़ सकता है। और ये जगह बहुत ही अच्छी है और यहाँ पर सबको आना चाहिए। और ये जगह जो है वो है मयूर विहार में, और जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो मयूर विहार फेस वन है। अगर आप अक्षरधाम भी उतरते हैं वहाँ से ऑटो के थ्रू भी आ सकते हैं। और तो दोस्तों अगर आप आते हैं तो ये ऑल पूरे वीक ओपन रहता है, और इसका जो टाइमिंग है वो है 11 से शाम के 7 बजे तक, और जो बोटिंग है वो 5:30 बजे की चलती है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और मैं अपने सारे दोस्तों को रिकमेंड करूँगा कि एक बार ज़रूर आएँ और यहाँ इन्जॉय करें। ठीक है, सो दोस्तों मुझे अभी फिलहाल यहाँ मुझे एक सब्सक्राइबर मिले हैं, ये और आपका नाम बिलाल है। बिलाल, तो इन्होंने ये मेरा सब्सक्राइबर है, तो अब मैं इनसे ही जानना चाहूँगा कि इनको ये जगह कैसी लगी, तो आपको कैसे लगी, अच्छी लगी? बहुत बढ़िया जगह है, यहाँ पर हर किसी को आना चाहिए, फैमिली लाइफ भी बहुत जगह अच्छी है, यहाँ आना चाहिए। काफ़ी फिजिकल चीज़ें कहाँ पर अच्छी हैं, यहाँ पर जैसे झूले हो गए, ये काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे इनके हिसाब से मतलब यहाँ पे हर कोई वर्ग का बंदा आ सकता है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, तो सबको यहाँ आना चाहिए, और बहुत ही हैपनिंग जगह है और आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं यहाँ पर। ट्रैवल रिचार्ज, लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर शेयर लाइक। तो दोस्तों हम अंदर जाके देखते हैं क्या है यहाँ पर, हालांकि बच्चों के लिए, लेकिन हाँ हमें दिखाना है कि अंदर क्या क्या है। सो बच्चे नहीं तो हम भी बच्चे ही हैं। ये पूरा केव है, गुफा बना रखा है, और काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। मतलब ये देख रहे कुछ टॉयस है यहाँ पर बच्चों खेलने के लिए, और तो
तो दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि है बॉलिंग एरिया और यहाँ पे हम करने वाले बॉलिंग, इसका साथ अंदर टेबल टेनिस भी है, चेस भी है, कैरम भी है, तो ये सारी एक्टिविटी हम देखते हैं, कोशिश करते हैं खेलने की। चलते अंदर। सो दोस्तों देख रहे हैं इनके लिए बॉलिंग के लिए हमें जूता खोलना पड़ेगा। ये क्या, ये टेबल टेनिस है और अभी फिलहाल कुछ लोग खेल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा क्राउड हो रखा है बॉलिंग की तरफ और लगता है हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो तो दोस्तों मेरे साथ एक अंकल जी जो कि ईओडी पार्क में हैं और वो मैं चाहूँगा कि वो बताएं कि उनको कैसा लगा ये पार्क। बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम हम यहाँ आए हैं और बिल्कुल स्वाद आया, पता ही चला कब टाइम बीत गया, कब रात होने वाली है। बोटिंग में भी स्वाद आया, भूत बंगले में भी आया, भूत बंगले में भी स्वाद आया, भूत से डर गए और वगैरह वगैरह सब चीज़ में इसका गया। बॉलिंग में बहुत बढ़िया लगा, टीटी भी खेला, टीटी में भी स्वाद आया वगैरह वगैरह, हर चीज़ अच्छी लगी। मैडम का भी इंजॉय कराया, मैडम हमारे साथ बहुत बढ़िया था, खाना बहुत बढ़िया। सो आप बोलना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि वो यहाँ पे आए और यहाँ पे यहाँ का मजा ले थोड़ा सा? हाँ, जो भी यात्री यहाँ आएगा स्वाद लेगा, बहुत अच्छा लगेगा सबको, सब आए यहाँ पे, सब आए, सब अपना इंजॉय करें और इंजॉय ही जिंदगी है, नो प्रॉब्लम करते रहो, उसी में स्वाद आता है। यस सर, ओके। सो दोस्तों ये थे हमारे एक अंकल जी जिन्होंने अपना व्यू शेयर किया हमारे साथ। सो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि एक बार इस ईओडी पार्क को जरूर विजिट करें, बहुत ही प्यारा एडवेंचर पार्क है और अब यहाँ जो टिकट्स है वही बहुत ही नॉमिनल है, बहुत कम है। सो आप आएँ और यहाँ इन्जॉय करें, आपका पूरा दिन कैसे गुजर जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। सो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू।